नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे टेबल पर स्ट्रेंजर पीबीटी 501 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। दोस्तों, इसकी जो ये जो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई थी, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ था। उसमें दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ओवरलोड हो गई थी, और ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है उसका मैंने सॉल्व किया था। तो अभी जो इसमें प्रॉब्लम आई है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल इसका जो आवाज़ है ये रुक रुक करके आ रही है। अभी तो ये ओवरलोड नहीं है, ठीक है। कस्टमर का कहना है इसकी जो ऑडियो दोस्तों बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, कट कट कर आ रही है, कभी ख़राब आ रही है, कभी रुक के आ रही है, मतलब खरखराहट के जैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखा देता हूँ आवाज़ को। यहाँ पर मैंने मोबाइल कनेक्शन वगैरह, स्पीकर का जो भी सॉकेट है, सब कनेक्शन मैंने यहाँ पर करके रखा हूँ। और सबसे पहला मैं आपको इसकी ऑडियो सुनाता हूं, उसके बाद आप लोग के पास इसकी जो जानकारी है आखिर ये प्रॉब्लम कहां से आती है सभी कुछ मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे एम्पलीफायर में लाइन आ गई है, बिल्कुल ओवरलोड कंडीशन नहीं है। आप दोस्तों यहाँ पर इसकी आवाज़ में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आउटपुट लेवल भी अच्छे तरीके से चल नहीं रही है दोस्तों, इसकी जो ऑडियो है बिल्कुल ख़राब आ रही है, ठीक है। तो आप इसकी ऑडियो सुन सकते थे, बिल्कुल खरखराहट के साथ आवाज़ आ रही थी और फटी फटी आवाज़ आ रही थी। तो चलिए कैमरे को हम एक जगह पर सेट कर लेते हैं और इसकी जो स्क्रू है सब खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसकी सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, या बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कहाँ से क्या दिक्कत है आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, कंप्लीट फुल वॉच कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक के साथ, चैनल में अगर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए कैमरे को एक जगह पे हम फिक्स करके फिर आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो जितने भी स्क्रू है सब खोल लेने के बाद इसकी जो ढक्कन है कैबिनेट का, ऊपर का जो प्लेट है मैं निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद सबसे पहला दोस्तों आवाज़ की जो प्रॉब्लम है, इसके पहले जब ये रिपेयर होने के लिए आई थी उस समय ये ओवरलोड कंडीशन में थी, तो ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो अभी इसका जो आवाज़ ख़राब होने का दोस्तों सबसे पहला आपको करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं 30, 37, 73 की जो ट्रांजिस्टर वाली जो हीटसिंक है, यहाँ पर अगर पर्याप्त वोल्टेज अगर ना मिले तो इस कंडीशन बन जाती है। अगर ये फिल्टर कैपेसिटर अच्छे तरीके से काम ना करे, वोल्टेज इसमें जाएगी नहीं, तब भी ये आवाज़ ख़राब होने की समस्या बनेगी। दोस्तों जहाँ पर जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वहाँ पर उतना वोल्टेज नहीं मिलेगी, चाहे ड्राइवर बोर्ड हो या फिर 37-73 की सप्लाई, तो आवाज़ आपकी ख़राब होने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करने का जो तरीका है दोस्तों, मैं आपको ये दिखा देता हूँ और आपको चेक कहाँ पर करना है। 2-3 जगह पर आपको चेक करनी है और आपका जो प्रॉब्लम है शायद यहीं से दूर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं, एम्पलीफायर में हमने लाइन डाल दिया हूँ और आवाज़ बिल्कुल खरखराहट जैसी आ रही है, ठीक है। तो चलिए मीटर को दोस्तों हमने यहाँ पर 200 डीसी की रेंज में मैंने सेट करके रखा हूँ। यहाँ पे हम अपने मीटर को थोड़ी सी आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से 200 की रेंज में हमने सेट किया है, और डिस्प्ले दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिखनी भी चाहिए। सबसे पहले आपको फिल्टर कैपेसिटर में चेक करना है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 36 वोल्टेज, और ये हमारी माइनस की 36 वोल्टेज, ठीक है। एक तरफ एक कैपेसिटर में दोस्तों प्लस की सप्लाई आनी चाहिए और एक दूसरे में माइनस की सप्लाई आनी चाहिए। और ये जो बीच में दोनों देख रहे हैं, ये बीच वाली में दोस्तों हमारी ग्राउंड होती है, जिसमें हमें कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी वोल्टेज तो बिल्कुल ओके है। और एम्पलीफायर को दोस्तों मैंने यहाँ पर सीरीज मोड में रखा हुआ है, और दूसरा मैं आपको 37-73 पर आपको प्लस वोल्टेज सप्लाई मतलब चेक कर लेनी है। एक तरफ हमारी वोल्टेज आ रही थी और दूसरे तरफ आप यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, जिधर हमारी नेगेटिव की सप्लाई आती है 36 वोल्ट, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस की तरफ दोस्तों ये इधर की तरफ हमारी कोई भी वोल्टेज आ ही नहीं रही है। तो ट्रांजिस्टर जो हमारा है यहाँ से दोस्तों, ये जो आप ट्रांजिस्टर की तरफ की अगर आप ट्रेस करेंगे तो इधर हमारी सप्लाई आ रही है जो कि पॉजिटिव सप्लाई थी, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारी ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई गई है। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे हरे कलर की वायर, ये दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेस अगर करेंगे तो ये हमारी आई है। यहाँ पर एक फ्यूज होल्डर लगा हुआ है, इस जगह पर हमारे एक फ्यूज होल्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वोल्टेज हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज हमारी अच्छे तरीके से नहीं बन रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कभी हमारी 29 वोल्टेज चली जाती है, ये देखिए अभी हमारी 36 वोल्ट आ गई है, ठीक है।
और इधर अगर हम देखेंगे तो इधर भी ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इस फ्यूज होल्डर में लफड़ा है, और दोनों ट्रांजिस्टर में से अगर एक साइड का ट्रांजिस्टर भी अगर हमारी मतलब वर्क नहीं करेगी तब भी हमारी आवाज़ इसी तरीके से मिलेगी दोस्तों, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। हम यहाँ पर कैमरा को नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पार्किंग जैसा हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ का जो सोल्डरिंग है बिल्कुल ये लूज़ हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण कार्बन होने की वजह से और लूज़ कॉन्टैक्ट की वजह से सप्लाई हमारी 3773 की जो नेगेटिव सप्लाई है दोस्तों इसमें नहीं जा रही थी। तो एक चीज़ आपको नोट कर लेना है कि इसमें दोस्तों दो चैनल पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, अगर दोनों में से एक तरफ का भी अगर सप्लाई ड्रॉप हो जाए कट जाए तब भी ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हाथ से हिलाने पर आवाज़ कभी कभी साफ़ हो जा रही है, आप सुन सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे हाथ लगाना छोड़ दिया आवाज़ भी गायब हो गई, ठीक है। चलिए हम एम्पलीफायर को बंद करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश सोल्डरिंग कर देते हैं, और इसकी जो फ्यूज है फ्यूज भी हम थोड़ा चेक कर लेंगे दोस्तों, और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम यहाँ से दूर होती है या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी 100% प्रॉब्लम हमारी यहीं से सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का जो तरीका है मैं आपको सोल्डरिंग करने का मैं आपको दिखा देता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड पेस्ट है जो कि आसानी से सोल्डरिंग हो जाती है। तो जब भी दोस्तों आप सोल्डरिंग करेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से सोल्ड करना है, क्योंकि दोस्तों लोड इसी के ऊपर आती है, और आपका ट्रांजिस्टर अगर कहीं पे भी अगर शॉर्टिंग होगा तो ये जो फ्यूज आप देख रहे हैं यही वाली फ्यूज यहाँ पे उड़ जाएगी एक तरफ का, और अगर पॉजिटिव तरफ का अगर ट्रांजिस्टर अगर हमारी ख़राब होती है तब हमारी एम्पलीफायर ओवरलोड दिखाने लगेगी, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसे सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही छोटी जानकारी दे रहा हूँ, अगर डीजे वाले भाई लोग अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सा काम तो खुद से कर ही सकते हैं। बार बार मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी छोटी सी काम के लिए। अगर इस तरीके का अगर फॉल्ट आपको देखने को मिलता हो कम से कम अपने पास एक बार एम्पलीफायर को खोल करके और इस तरीके से चेक जरूर कर सकते हैं, ताकि आपके पैसे भी बच जाएं और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कनेक्शन हो गई है, फ्यूज होल्डर में हमने जोड़ दिया है इसकी कनेक्शन, ठीक है। चलिए एम्पलीफायर को एक बार हम चालू करते हैं और देखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम अभी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए वोल्टेज हम देख लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर -41 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हिलाने के बाद देख सकते हैं मैं अपने मल्टीमीटर की टर्मिनल से हिला दे रहा था, तो हिलते ही दोस्तों आवाज़ इसकी फिर गायब हो जा रही थी। तो आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपको शॉर्ट में एक जम्फर भी लगा देना है अगर आपके पास फ्यूज होल्डर ख़राब हो गई होगी, और जगह पर अगर आप साइड में कहीं गए होंगे बुकिंग लिए होंगे तो उस जगह पर आपको फिर एक जम्फर लगा देना है, फ्यूज का जम्फर आप लगा सकते हैं और अपना जो बुकिंग है दोस्तों वो काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर फ्यूज निकालते हैं और देखते हैं फ्यूज में दोस्तों कहाँ पे कार्बन लगी है। दोस्तों कार्बन लगना स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन दोस्तों इसलिए लगी है फ्यूज में क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग जो हो रही थी स्पार्किंग की वजह से कार्बन लग सकती है। चलिए यहाँ पर फ्यूज को हम चेंज कर लेंगे एक बार, और यहाँ पर हम दूसरा फ्यूज डालते हैं और फिर से देखते हैं एक बार हिला डुला करके, और इसकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी 100% दूर हो गई है, ठीक है। अगर फ्यूज आपको ना मिले तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर फ्यूज होल्डर पे एक फ्यूज के जैसा आपको जम्फर लगा देना है। तो एक बार हम फिर इसमें लाइन इनपुट करेंगे यहाँ पर, और लाइन इन करने के बाद MP3 चला करके देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग दोस्तों कमेंट में आगे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए MP3 प्ले करते हैं, Thank you.
तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ, चैनल में पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।